हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज है तीज और आप सबको हैप्पी तीज, क्योंकि आज मेरा तीज का व्रत है। आज पूरा दिन हम लोग निर्जला उपवास करने वाले हैं। और जैसे कि मैंने अभी निकाली थी फुल हेवी साड़ी पहनने के लिए, क्योंकि हमको अच्छे से तैयार होना पड़ता है आज के दिन। पर जैसे इतनी बारिश आ रही है, साड़ी कर दी कैंसिल। अभी मैंने सिंपल बनारसी साड़ी पहन ली है, जो वॉश भी हो सके और ज़्यादा गंदी भी ना हो, क्योंकि प्योर वाली जो साड़ियाँ पहन के जाएंगे, जाएंगे तो पूरी पर आएंगी सारी आधी, क्योंकि चढ़ जाता है ना प्योर तो भीगने से, इसलिए। और अभी हो जाती हूँ मैं रेडी, और रेडी होकर फिर आपसे मिलती हूँ। आज नो ब्रेकफास्ट, नो पानी, कुछ भी नहीं है आज तोड़ते। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने साड़ी वगैरह चेंज कर ली, क्योंकि चिकू ने बोला था कि अच्छी नहीं लग रही है वो वाली साड़ी, और ऐसी साड़ी तो क्या ही पहन रही हो, तुम्हारी व्रत है 12 महीने का, और वो भी, इसलिए मैंने फिर चेंज ही कर ली और चुंदड़ पहनी है। और रेडी भी हो चुकी हूँ, अभी जाएंगे हम पूजा करने के लिए, तो चलिए चलते हैं। ये है सारा सामान, और अभी लेके जा रहे हैं पूजा करने के लिए। मानवी दीदी, हेली दीदी, आ जाओ, मेरा फोन लेके आना है ना दीदी। आ गए हम लोग मंदिर। मंदिर बाहर से गर्जे सा दिख रहे। लो ये आपका चढ़ा दो, एक बार एक जना पूरा कोई भी चढ़ा दो, एक सुपारी गिर दी है, और इसके अंदर ये जनोई रख दो, माता जी का श्रृंगार अलग से रख देंगे। पूजा वगैरह सब डन हो गई है, और हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। मम्मी और मानवी दीदी, हेली दीदी कर रहे हैं पूजा, और मेरे कैमरे की बैटरी भी हो गई है लोग, तो अभी मैं बंद कर रही हूँ। इतनी हालत खराब हो गई तेरे लगी थी। मम्मी को अंदर दर्शन करने एक नारियल रख दे, या फिर इधर ही रख देगी तो भी चलेगा, द्वारपाली इधर उधर रख दे। मम्मी गाड़ी आ भी गई है, बस आपको हमारी सिस्टम ने बहुत डर कर। कथा वगैरह सुन के आ गए हैं घर पे, और अभी बनाएंगे खाना वगैरह, बाकी है तो बनाएंगे खाना पापा और चिकू के लिए, तो बस ये अभी घर खोलेंगे। आ गई हूँ घर पे, और अभी करूँगी चेंज और फिर खाऊँगी खाना। सॉरी, कहाँ खाना खाना, अभी करूँगी चेंज और फिर बनाऊँगी खाना। और जैसे कि आज है निर्जला व्रत, तो हाथ वगैरह सब कांप रहे, तो इससे व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल होगा। गोप्रो ले गई थी इसलिए थोड़ा सा ईजी हो गया था, तो अभी चेंज वगैरह कर देती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। खाना वगैरह बनाकर हो गई हूँ मैं फ्री, चिकू को और पापा को खिला दिया है, और अब करूँगी मैं रेस्ट। सारा काम लगभग, काम वाली भाई आज नहीं आने वाली थी, पर भगवान की दया से आ गई आज, नहीं तो क्या हाल होता मेरा। वो चलिए अब करते हैं रेस्ट, क्योंकि अब रहना है हमको भूखा प्यासा, भूखे प्यासे सुबह के हैं, सुबह के क्या, हाँ सुबह के।
और आज मैं कैसी लग रही थी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आज वाला तो कुछ ऐसा हुआ है ना, कुछ फिक्स ही नहीं था क्या पहनने वाली हूँ, रैंडम रेडी हुई हूँ जो भी हुई हो वो। आप देख सकते हो मैं पहन के सोई थी, साड़ी पर उठी हूँ सूट में। मैं तो एक बार साड़ी पहन के ही सो गई थी, पर मैंने मुझे लगा कि मुझे थोड़ी देर के लिए ज़्यादा सोना है, यानी रेस्ट करना है, तो कंफर्ट कपड़े पहन के सो, तो कंफर्टेबल कपड़े मैंने पहन लिए और फिर सोई थी। और फिर गई थी सैलून, कुछ काम था तो अभी आई हूँ जस्ट, यानी लगभग 7:47 पे अभी आई हूँ मैं घर पे। तो चलो दिन तो कैसे निकल गया पता भी नहीं चल रहा, और अभी तक मुझे प्यास नहीं लग रही है, यानी अभी तक दिन चल ही रहा है। और मैं तो ऐसा सोचती हूँ ना, जितना बिजी रहे उतना पता नहीं चलता, बाकी फ्री रहते प्यास लग रही है, नहीं पानी पी लेना चाहिए। छूट हम सब जने लेते हैं, जो भी फर्स्ट बार हम व्रत करते हैं ना उसमें छूट लेनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि इन लाइफ हमारे साथ क्या है क्या नहीं है, कभी हमारी तबीयत ख़राब भी हो सकती है, कभी और सिचुएशन भी हो सकती है, इसलिए हमको पानी वगैरह फर्स्ट टाइम लेना चाहिए ताकि वो छूट रहती है। फर्स्ट टाइम जैसा व्रत करेंगे वैसा हमको ज़िंदगी भर तक करना पड़ता है। और ये जो ये केवड़ा तीज का व्रत है वो शायद अमर है, यानी इसका हम ना कभी उद्यापन कर सकते हैं ना ये व्रत कभी छोड़ सकते हैं, ये हमको यानी आजीवन करना पड़ता है। यानी सबकी अपनी अपनी सोच है, कोई आजीवन करता है, कोई उद्यापन कर देता है, कोई कुछ नाश्ता वगैरह यानी फलहार वगैरह लेता है, तो ये सब चीज़ें खुद खुद की चॉइस है, पर मैं कुछ नहीं लेती हूँ। मैंने फर्स्ट साल जब लिया था, और मैं भी शायद ये व्रत कर रही हूँ 12-13 साल होने आ गए, बहुत छोटी थी तब से ले लिया था, पता भी नहीं चलता था कि इस व्रत का मतलब क्या है, तो और ये व्रत कर करके मिल गए हैं मुझे ऐसे पतिदेव। यार सब जने यानी इस व्रत का तो यही रहता था, हम पहले सुनते थे कुंवारे होंगे तो अच्छा पति मिलेगा और शादी हो जाएगी तो जोड़ी अमर रहेगी, बहुत सारी फिलोसॉफीज रहती है, और मैं खुद भी मानती हूँ इन सब चीज़ों को, क्योंकि मानो तो सब कुछ है, कुछ ना मानो तो कुछ भी नहीं है, और यही सब चीज़ें इसके साथ जुड़ी हुई रहती है। और मुझे व्रत करना काफ़ी अच्छा लगता है, सजना धजना पूजा वगैरह करना, मंदिर जाना, इससे यानी हम कितने कनेक्ट होते हैं भगवान से, व्रत करने का यानी मज़ा ही कुछ और है। और भूखे रह के व्रत करना पूरा दिन बहुत मज़ा आता है, और उसमें भी पति का बार बार चिढ़ाना, प्यास लग रही है। और करवा चौथ के दिन भी यही रहता है, करवा चौथ के दिन तो और मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि करवा चौथ का जो व्रत होता है हम रात को खोल देते हैं, चांद देखने के बाद पति खाना खिलाता है और पति देव खाना खिलाते हैं, और इसमें क्या होता है हम 12 बजे के बाद जागरण करते हैं, 12 बजे तक, 12 तो ऐसे ही बज जाते हैं पता नहीं चलता, रोज की 12 बजती है, 12 बजे तक जागरण करना होता है, और फिर मैं तो उपवास खोल के सोती हूँ क्योंकि मैं फलाहार लेती हूँ 12 बजे के बाद, इसलिए तो 12 बजे के बाद मैं साबूदाने की खिचड़ी की मैंने प्रिपरेशन कर दी है, तो साबूदाने की खिचड़ी बनेगी 12 बजे के बाद, और छाछ वगैरह मंगाई नहीं है, अभी मंगवा देती हूँ चिक्कू के साथ, क्योंकि साथ में कुछ होगा तो सही रहेगा, ठीक है। अभी तक तो बढ़िया है हम 8 बजे तक, तो आगे देखते हैं क्या होता है, 4 घंटे और निकालने हैं हमको। कल हमारी हीयू व्लॉग में जो आई थी आपको कैसा लगा बताओ, हमारी हीयू को तो हमारी हीयू रोज आएगी व्लॉग में, बताओ ना बेटा आपको कैसा लगा व्लॉग में आके। अच्छा लगा। और अभी क्यों रोई कर रहे हो, चलो बता दो। नहीं रोऊंगी ऐसे बोलो, मैं अच्छी बच्ची हूँ, लिपांजल वाली बड़ी सी चोटी ला के दूंगी, चाहिए बड़ी वाली चोटी। कितनी सुंदर है, कितने कल वाली मेहंदी बताओ ना कैसे खुली, बताया ही नहीं आपने। ओ इधर कहाँ, इधर बताओ इधर, हाँ इधर, वो बहुत अच्छा कलर आया है, इधर दिखाओ, वाह सबके कितने अच्छे अच्छे नाम है, ओ ये वाला सबसे अच्छा लग रहा है सबके नाम के, आपने किस किस को बताया हूँ बताओ, पापा को बताया, मम्मा को बताया, कैसी लगी मेहंदी मम्मा पापा को? अच्छी लगी। हाँ ठीक है, और आज कल वाली वीडियो में तो तू इतनी अच्छी लग रही है ना, मेहंदी लगाते तो बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे थोड़ी सी बिगल गई, बिगल गई, हाँ क्योंकि अपन मस्ती भी कर लेते ना साथ साथ में, इसलिए बिगल गई, ठीक है। तो अभी अपन थोड़ी देर के बाद अपन वो बनाएंगे, शेगार बनाएंगे, ठीक है। चलो अब अपन कैमरा रख देते हैं एक तरफ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद बनाएंगे इसलिए, ओके। तो अभी हमने देखी सब जनों ने मूवी, मैंने, हिया ने, नव ने, हेली ने, कैसी लगी मूवी हेली दी? बहुत अच्छी मूवी थी, मीमी मूवी। लंबी काफी थी, यूं लग रहा था यार, लंबी 3 घंटे। तो अभी हम बना रहे हैं फलहार, क्योंकि टाइम हो रहा है लगभग 12 बजने में 10 या फिर 15 मिनट कुछ बाकी हैं, तो फलहार बना देते हैं, जैसे ही फलहार बनता है वैसे आपसे मिलते हैं। कैसी लगी तेरे को मूवी? बहुत अच्छी, पूरी देखी नहीं, अच्छी लगी बस, नहीं देखी मैं से पूरी, शुरुआत में क्या देखी थी इसे, शुरुआत में नहीं देखी थी, ठीक है। शुरुआत में क्या हुआ,
अभी बज गए हैं फिक्स 12:02 और मैं पानी पी के मेरा उपवास तोड़ रही हूँ। यहाँ पर हेली दीदी भी पानी पी के इसका उपवास तोड़ रही है और मैं भी यहाँ पर पानी पी के उपवास तोड़ देती हूँ। लगभग अपन 24 कितने घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद तो पी रहे होंगे पानी। हाँ, पानी तो टेस्टी लग रहा है। अरे फील हो रहा है पेट में पूरा पानी। हाँ, पानी जा रहा है, ये लग रहा है। सच में यार, पानी की वैल्यू इतनी देर प्यासे रहो तो पता चलती है। एक गिलास ही पीते हैं, अभी तो फलहार की तैयारी हो रही है इसलिए। फर्स्ट सिप में तो क्या रिलीफ। अंदर जाके पूरा मूंगफली की कमी होने की वजह से हम यहाँ पर अभी मूंगफली छील रहे हैं। ताजा मूंगफली छील रहे हैं मुंह के स्वाद के लिए, 12 घंटे के मुंह के स्वाद के लिए। अभी हम फलहार बना रहे, उसमें हम, मैं, मम्मी और हेली दीदी और ये लिया, ये तो ऐसे ही घूम रही है आस पास में, मूंगफली छील रहे। ये हेली खा रही है। फलहार हमारा बन चुका है और अभी खाएंगे हम फलहार और इसी के साथ कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, मिलते हैं कल के अच्छे ब्लॉग में। बाय।